का विकास तो आपने कई बार देखा होगा, गांव की पगडंडियां और गलियों का विकास हम आपको दिखा रहे हैं, गांव की हकीकत, बदलते भारत के बदलते विकास की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। आज भी कहा जाता है कि विकास देखना है तो शहर के चाक चौक से, चाक चौबंद जो व्यवस्था होती है, चौक चौराहों से अलग, थोड़ा सा चार कदम अलग किसी गांव में जाइए, सूरत और सीरत दोनों सिस्टम की दिख जाएगी, सरकार की हकीकत से रूबरू हो जाइएगा। देखिए जो घर बने हुए, किसी घर पे छत है तो किसी का छत नहीं है। देखिए दरवाजे के नाम पर ये टाट जो है वही इनकी इज्जत और आबरू, सुरक्षा और प्रतिष्ठा दोनों है। ये गांव समाज के सबसे पिछड़े लोगों की है, ये मोहल्ला समाज के उन तबकों का है जिनका नाम लेना भी कई सभ्य समाज के लोग कतराते हैं। कई लोग तो इन बस्तियों से होकर गुजरने में भी अपने आप को मैले समझते हैं, लेकिन सियासत में चुनाव का वक्त है, हर दरवाजे सफेद कुर्ते में लोग वोट मांगने आ जाते हैं। ये देखिए ये घर, इसकी दहलीजे और इसकी बनावट ये बता रहा है कि हकीकत क्या है। ये टूटे हुए टीन के शेड ये दरवाजे के काम करते हैं, ये सुरक्षा है, इनमें रहने वाले लोगों के मन के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। सामाजिक तौर पर तो ये बंधन कुछ नहीं है, लेकिन आगे देखिए तस्वीरें किस तरीके से है, बनावट तस्वीरें। बिहार सरकार की योजना है कि हर गली नली, मतलब नाली और सड़क की बात होती है, लेकिन जिस जगह हम घूम रहे हैं, जिन गांव में घूम रहे हैं, दलित बस्ती में घूम रहे हैं, इस गली में नल के जल के लिए टंकी तो लगा हुआ है, दो दो टंकी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन किसी गली में सड़क नहीं है, और इस टंकी तो लगा दिया गया लेकिन इसका आउटलेट सप्लाई नहीं है, यानी ये प्रोसेस में नहीं है, ये काम करते हुए टंकी नहीं है। हकीकत देखिए किस तरीके से यहाँ, कब लगा था बाबू, कब लगा था, 2-3 साल पहले लगा, पानी नहीं आया, नहीं आ रहा है, पूरा पानी नहीं जा रहा, किसी के घर पे पानी नहीं जा रहा, किसी घर पे पानी नहीं जा रहा, कारण, कारण अब पता नहीं क्या हो रहा है आगे से, जो हम लोग क्या पता, नीतीश बाबू का देन है, जो है ना किसी के घर में पानी नहीं जा रहा है। किस जाति के लोगों की बस्ती है, इधर तो सब यादव जाति की बस्ती है, और इधर, इधर हरिजन है, इधर हरिजन और इधर यादव, दोनों बस्ती के लोग के लोग पिछड़े हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, बहुत दिक्कत है इधर। एक बार फिर से इन गलियों को देख लीजिए, इन तंग गलियों में आने के पहले कई बार लोग सोचते हैं गाड़ियां तो नहीं फराटे भरेंगी, पैदल आना भी मुश्किल है, अगर बरसात का वक्त होगा तो फिर कीचड़ में आप, लेकिन इन घरों में रहने वाले लोग आज भी प्रधानमंत्री जो योजना है आवास योजना, उस योजना की उम्मीद में लगाकर बैठे हैं कि काश इनके भी झोपड़े के ऊपर एक छत हो जाए, लेकिन ना यहाँ तक प्रधानमंत्री की योजना पहुंच पाती है और ना ही यहाँ तक नीतीश कुमार के विकास की चमचमाती सड़कें। सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे के पूरक हो गई हैं। लोगों की जरूरत चुनाव के वक्त उठाने का दावा हर कोई करता है, लेकिन चुनाव के नतीजे आते ही ये लोग, इस इलाके में रहने वाले लोग अपने हालात के साथ जस का तस पड़े रहते हैं, लेकिन इस इलाके से वोट लेकर चुनाव जीतने वाले लोगों की तस्वीर और तकदीर बदल जाती है। कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं। देखिए गांव में क्या माहौल है, बिजली हर गली हर सड़क हर गांव में जरूर दिखाई पड़ रही है, बिजली के लिए उपलब्धि है। बाबा ये कब से टंकी लगा हुआ है, टंकी तो जो है ना लमसम 5-7 बरिस पहले लगा, लेकिन चला कभी नहीं, पानी नहीं आया, पानी चला बंद हो गया, अब चला बंद हो गया। आप लोग इसका पानी नहीं पीते हैं? ना इसका पानी हम लोग नहीं पीते, यह सूखा हुआ पानी जो है ना कॉल के पीते हैं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इस बार क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल तो हम लोग राजद के वोट देंगे, अर्जुन राय को, राजद के आप लोग सपोर्टर है? अच्छा, देवेशन ठाकुर पर भरोसा क्यों नहीं है? इसलिए कि वो कहते थे, जो है ना विधानसभा परिषद भी है तो उनके यहाँ जो लोग जाते हैं तो कहते हैं चप्पल उधर निकाल दो, अभी फुर्सत नहीं आएगी। जब भी कोई गया है
तो यही कहता है कि फुर्सत नहीं अभी चले जाओ। अच्छा, वैसे आदमी पर भरोसा क्या करेगा लोग, जो सर जमीन में आकर के हमारी बात आपकी बात को सुने वही ना नेता होगा। है तो हम लोग तो देवेश चंद्र को चिन्हबो नहीं करते हैं, आ पार्लियामेंट में तुरंत जो है पार्टी इसको बीजेपी तुरंत भेज देता है कहाँ विधान परिषद में, तो फलना परिषद में, चिलना परिषद में, तो ये तो जो है अफसरशाही सरकार है, इसको क्या करे। हम लोग पिछड़े हैं, पिछड़े रह गए, पिछड़े की बात नहीं सुनते हैं, पूछना कोई बात न। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।